सो अभी देखिए ये जा रहा है नया वाला रूट पे अपना नया वाला चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। अपना बॉस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं अपने एड्रेनालाइन कॉम्पिटिटिंग मोड पे लेकर आए हैं जो पंपिंग सिस्टम में है अभी ये चल रहा है। अरे यार ऐसे कर रहा है कि जैसे हम पीछे है वो भी कोई ट्यूब लेके, तो इसको लग रहा है हम भी इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते गए अपना चैलेंज मोड बढ़ाते गए और हम भी ऐसे करते हुए समुंदर के बहुत से बीच में आ गए थे। फिर मुझे ध्यान आया अरे हम तो पूरा एकदम से पानी के अंदर जाने वाले हैं। फिर हम धीरे 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 वापस आ गए। झूठ बोल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, इसको जब दिखाई नहीं दे रहा था तब हम दौड़ के भागते हुए आ गए। और समुंदर का नेचर का ये देखिए, अभी देखिए दूर से बंदा आ रहा है मेरा कैप्चरिंग कैमरा को लेके कैप्चरिंग मोमेंट में, वो भी समुंदर के बीच पे खड़े होके। वाओ क्या एक्सपीरियंस था। जाहिर सी बात है हम लोग तो प्रोफेशनल कैमरामैन है नहीं, लेकिन हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ते रहना, यही तो होता है लाइफ का फुलफिलमेंट। तो ये वाला जो है बहुत ही दूर हो रहा था, मेरा कैमरा पूरा फुटेज नहीं ले पा रहा था, इसलिए मुझे समुंदर के मिडिल पे आके ये वाला फुटेज लेना पड़ा। और आप लोगों को तो पता ही है मेरा हाइट मेरे हस्बैंड के हाइट से कितना कम है, तो इसके वजह से मुझे लगा हम तो आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो अभी देखिए ये बंदा फिर से वापस लौट के आ गया। तो जब बंदा बीच से पूरा उतरे, मतलब बोर्ड से पूरा उतर के मेरे पास आ रहे थे, तो इसके पास डाउट था, इसके माइंड में डाउट था कि हम पूरा फुटेज ठीक तरह से लिए कि नहीं लिए। तो ये अपना जैकेट उतरते हुए आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं और फर्स्ट आके मेरे को कैसे एक्सपीरियंस रहा वो बताने के वजह से मेरे को पूछ रहे थे कि लिए तुम। वो तो आप लोगों को पता है हम कितना कठिनाई के सामना करते हुए ये वाला फुटेज उठाए थे और मेरे ऊपर वाले को ये पता है, लेकिन इस बंदे को डाउट था। खैर जो भी है, ऐसे तो हम दोनों का एडवेंचरस ये वाला राइड ख़त्म हो चुका था यहाँ पे। और मेरा जो एक होता है ना क्रेविंग ब्यूटी ऑफ द नेचर, उसको तो हम छोड़ नहीं पाए, इसलिए थोड़ा सा समुंदर का मोमेंट उठा लिए। और ये देखिए आजू बाजू का जो है नज़ारा, कितना अच्छा सा वेदर था। और ये ब्लू कलर का पहन के कैमरामैन हम लोगों के पीछे पीछे घूमते हुए आ गए थे बेटे के पास, और बेटे को बोला ये झंडे के सामने एकदम से रेड कलर का बैग लेके तुम खड़े रहना, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो सबका नज़र तुम्हारे ऊपर आ सकता है। इसके बाद हम दोनों थोड़ा सा शॉर्ट मोमेंट उठाए और ये रहा फ्लाइंग डिश लेके हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे थे समुंदर के किनारे। तो ये वाला एक्टिविटी बहुत ही मज़ा आ रहा था फ्लाइंग डिश लेते हुए। अभी हम तो मतलब मेरा हस्बैंड इतना ज़ोर से दिए, देखिए कितना दूर चला गया, और मेरा बेटा इसके पीछे भागते हुए चला गया। वो बंदा हम पहचानते नहीं है, वो उधर से थ्रो कर दिए, फिर मेरा बेटा भागते हुए जा रहे हैं और एज अ मम्मी हम उसके पीछे जा रहे हैं ताकि मेरा बेटा समुंदर के करीब ना जा सके। तो ये सब होते हुए फिर हम लोग वापस आ रहे हैं और ये बंदा एक ही जगह खड़े होके ये सब कैप्चर कर रहा है। क्या है क्या बोले। खैर जो भी है, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को ये सब करते हुए। फिर हम लोग थोड़ा सा इधर उधर किए और ये देखिए नारियल पानी, मतलब पानी पीना तो हो गया था। और मेरे पास जो आंटी बैठे हुए थे इसका कुछ मूड ऑफ था, इसके वजह से हम हंस के कुछ मतलब फुटेज उठा ही नहीं पा रहे थे। और मुझे लगा कि
आखिर ये जो नारियल है ये हम मतलब कैसे खाएंगे, कैमरा के सामने कैसे इसका फुटेज आने वाला है, और ये सब एक्टिविटी करते हुए बेटे को देखिए हम बहुत एंजॉय किए थे इस दिन। हम ये स्लोमो में हम दिखा रहे हैं, उसको बोले थे इसको लेके घुमाने के लिए, तो बस एक ही राउंड घूम के दोनों का सर चक्कर एंड चक्कर एंड चक्कर, वो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग की तरह मूवमेंट हो गया था। तो फिर इसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट उठाए जो हम शॉर्ट में डाल रहे हैं, आप लोग शॉर्ट में देख लीजिएगा। और ये है थोड़ा होटल व्यू, होटल व्यू मतलब न्यू दीघा में हम लोग स्टे नहीं कर रहे थे, तो इसके वजह से न्यू दीघा का जो फ्रंट बीच होटल है जितना भी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि होटल व्यू इतना अच्छा है, यहाँ का होटल्स देखिए कितना अच्छा है, कितना बढ़िया दिखने को आ रहा है। अंदर जाके तो हम पूछे नहीं, लेकिन बाहर से जो दिखाई दे रहा था उससे हमको ये फीलिंग्स आया कि अमेजिंग होटल्स है, आप लोग आके यहाँ पे रुक सकते हो। ये फ्रंट व्यू होटल्स है और पीछे व्हाइट कलर का गाड़ी, क्या बोले क्या बोले, पता ही है ना। हाँ, मन का जो विश होता है इंसान का, हर किसी का होता है। हम अभी शेयर कर रहे हैं खाना, ऑथेंटिक बंगाली फूड which is available in Digha Ahar restaurant na Digha old Digha Ahar restaurant. So we always wants to explore the different area, different food and all. So Ahar restaurant, one of the most well known restaurant over here. So this is the dal, this is potato fry, aise hum log bengali mein bolte hai jhuri aloo bhaja, and this is mocha chingri, isko bola ja raha hai, matlab isme prawn diya hua hai, aur iske sath complete, this is complete curry. And this is the quantity of rice, and this is also given by the Bengali and any Bangladesh, they have provided these things. So these all, and taste is so nice. How it is taste? Everything tastes like very nice. Means I like it. The taste of this mocha chingri is very nice. I taste it and it's... You need more mocha chingri? I have. Okay. So this is the central attractions for our second day food exploring in Ahar restaurant. ज़रूर आप लोग ये वाला restaurant में आके खाना खा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही tasty, एकदम लाजवाब खाना यहाँ पर मिलता है, वो भी budget friendly price पे। तो इसलिए I need to show this restaurant. तो इवनिंग में चल पड़े हम लोग मोहना की तरफ, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग चल रहा था, ओपन एयर फंक्शन हो रहा था, बहुत ही फेस्टिव मूड पे सब कोई था, लेकिन ठंडा हवा दे रहा था, इतना ठंडा कि क्या बोले। और आगे बढ़ते हुए हम लोगों को पता नहीं था हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। चलिए देखिए आप लोग इस वाला वीडियो में कितना हॉरर सब फीलिंग हम लोगों को हुआ था, तो अभी देख लीजिए। So now we are heading in Mohana. इधर से नदी पूरा आ रहा है और इधर समंदर के साथ पूरा एकदम जॉइंट होके जा रहा है, और मेरे पीछे है फिश मार्केट जो मछली बाजार बोला जाता है। तो चलिए आज के दिन यही अभी मोहना। These are all fish market में ये सवेरे से पूरा बैठ जाता है, हम लोग आए हैं इवनिंग में। দিদি কোন নদী এসছে এখানটা? চম্পা নদী। চলো जस्ट नाउ हम लोग एक थ्रिलिंग के लिए इधर आ गए थे। एक्चुअली आने वाले थे मॉर्निंग में,
लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी एकदम से थ्रिल हो रहा है, बहुत ही डर लग रहा है, पूरा एकदम एम्प्टी फाका एरिया है पूरा। और मोहना आप लोगों को पता ही है, एक रोड पूरा नैरो होते हुए समुंदर में पूरा जाके वो ख़त्म हुआ है। तो हम लोग बस सामने देख रहे हैं, बस कुछ ही मतलब इंसान है, लाइट दिखाई दे रहा है आप लोगों को दिखा। तो उधर देखिए एक लाइट जल रहा है और पूरा एरिया अंधेरा है। ऊपर देखिए मून, दिस इज मून चंदा के, वाव। अभी देखिए एक साइड पूरा बीच समुंदर और एक साइड, दोनों साइड में समुंदर, बीच से रोड गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक अलग सा ही थ्रिल है। तो हंसी सुनाई दिया है शायद आप लोगों को। आगे बढ़ते हुए देखिए दो ही दुकान खुला था, जिसमें हम थोड़ा सा क्लिप उठाए। ये लोग भी बंद करने ही वाले थे, क्योंकि 5 बजे के बाद मोहना पूरा अंधेरा अंधेरा और अंधेरा हो ही जाता है। इसके साथ बात करते हुए हम लोग उधर से जल्दी से निकल आए। एक तो हवा चल रहा था, चारों तरफ बहुत ही मछली का बदबू था और हवा भी चल रहा था और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, इसके वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ के नेक्स्ट फंक्शन अटेंड करिए। Time for photo shoot. Good morning, friend. Today we are coming back to Kolkata. Before that, we enhance our property where we are staying. सो ये है डॉल्फिन होटल का गार्डन एरिया, और गार्डन एरिया में मॉर्निंग में बेटा गए, एकदम से मॉर्निंग वॉक भी हो गया पूरा, मॉर्निंग का व्यू एंजॉय करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और नाइट पे अगर आप लोग यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे बॉनफायर भी ये लोग रेडी करके देगा, उसके लिए अलग सा कॉस्टिंग आता है। तो दिस इज़ द गार्डन व्यू, और इधर से पूरा देखिए सराउंडिंग होटल, बहुत ही बढ़िया होटल है। बाय द वे आई need to mention over here, this hotel situated in the Bagister road, जो दीघा का Bagister road है वहाँ पे ये hotel है। तो यहाँ पे बहुत ही famous बहुत ही पुराना वाला hotel है। अभी देखिए bathtub में गर्म पानी से ये मतलब जाकूजी बना के मस्ती में एकदम से शावर ले रहे थे, और जो भी है येस्टरडे का जितना भी थ्रिल था पूरा रिलैक्स मोड में है। इसके बाद हम लोग मतलब कलकत्ता के लिए निकले और फिर से थोड़ा सा समुंदर के पास जाके Come on till radio on, it's Friday night, I won't be long, gotta do my hair, makeup on, it's Friday night, I won't be long, till I hit the dance floor, I got all I need, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you baby, baby I don't need dollar.